हाय फ्रेंड, ये कमिंस इंजन के जैसे 495 और 743 इंजन में जो है कनेक्टिंग रॉड का बोल्ट जो है हम दूसरी तरह से लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कनेक्टिंग रॉड में पहले हम बोल्ट डाल देते हैं, क्योंकि बोल्ट में उसके हेड पर जो है कट मॉडल होता है और उसमें कोई भी ना ही वो हेक्सागोनल ना स्टार टाइप का होता है, तो उसको लगा के उसको हम ठोक देते हैं, मतलब ठोक कर हम कनेक्टिंग रॉड में बैठा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा लॉक सिस्टम रहता है और एक साइड में हल्का फ्लैट होता है जो हमारा कनेक्टिंग रॉड में चला जाता है। और जब हम उसको पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड को हम क्रैंक में लगा देते हैं तो कैप के साइड में जो है हमारा नट एंड बोल्ट लगता है, क्योंकि उसमें चूड़ी जो है नीचे ही रहता है, उसमें नट बोल्ट जो है हमारा लग जाता है। और जैसे और सभी इंजनों में क्या होता है कि किसी में तो मतलब दोनों साइड में कट होता है, हम कनेक्टिंग रॉड में डाल के आराम से डालते हैं, क्योंकि लेकिन 495 और 743 इंजन में उसको थोड़ा हैमरिंग करना पड़ता है ताकि वो हमारा जो है कनेक्टिंग रॉड का बोल्ट जो है वो लॉक हो जाए, तो उस हिसाब से करते हैं। क्योंकि लेकिन अगर हमारा वही केटी इंजन होता है या KV12 और सब मॉडल के इंजन होते हैं तो उसमें जो है हमारा ऊपर से कनेक्टिंग रॉड में नहीं डालना पड़ता, पहले हम पिस्टन को बैठा लेते हैं और कनेक्टिंग रॉड जब हम क्रैंक में डालते हैं तो क्योंकि उसमें कनेक्टिंग रॉड में थ्रेडिंग होता है तो उस थ्रेडिंग के थ्रू जो है हम उसको जो है जब हम बोल्ट लगाते हैं तो इधर कैप लगाने के बाद फिर हम उस बोल्ट को उस बोल्ट को हम लगा कर टाइट कर देते हैं, तो ये हमारा अंतर होता है। इसीलिए 495 और 743 में कहाँ से और कैसे हम बोल्ट लगाते हैं, आइए आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड, ये देखिए ये हमारा कनेक्टिंग रॉड और बोल्ट नीचे जो है हमारा कनेक्टिंग रॉड का कैप भी है, तो ये सभी चीज़ें देखिए बेयरिंग भी है, बेयरिंग ये सभी चीज़ें एक साथ ही लगती है, क्योंकि लेकिन ये जो बोल्ट है ये इसको हम कनेक्टिंग रॉड में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें साइड में हमारा जो है स्लॉटेड टाइप से होता है, वो स्लॉटेड आप देखिए इसमें कुछ ये बोल्ट दिए हुए हैं स्लॉटेड है, तो उसको जो है पहले उसमें डाल देते हैं, उसको हैमरिंग से हल्का सा करके उसको ठोक देते हैं ताकि वो हमारा उसमें एक हिसाब से वो बोल्ट लॉक हो जाता है, ताकि अगर हम टाइट भी करेंगे तो बोल्ट जो है हमारा घूमेगा नहीं। ये देखिए जी बीच में ये जो हल्का मोटा है वही जो है लॉक का काम करता है, तो इस तरह जो है हमारा बोल्ट होता है। और इसमें देखिए नीचे जो चूड़ी बनी हुई है जब हम क्रैंक में बैठा देते हैं तब उसके बाद जो है उसको हम नट बोल्ट के सारे जो उसको टाइट कर। ये देखिए कुछ और इंजन होते हैं जिसमें हमारा ये बोल्ट लगता है, उसमें जो है कनेक्टिंग रॉड में ही जो है हमारी ये चूड़ी बनी होती है, तो उसी चूड़ी के सहारे ये जो है टाइट होता है और ये स्टार टाइप होता है, तो इसलिए इसमें जो है अधिक टेम्पर्ड होता है, इसीलिए जो है हम इसको जो है टार्क भी उसी हिसाब से जैसे 200 से 250 के बीच में हम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब और हो सके तो उसको भी शेयर करें, अगर कोई टेक्निकल आदमी हो तो उसे भी शेयर करें।